रात में कहाँ सोगी? मम्मी के पास, यहीं आ जाना, कुछ देर बातें करेंगे। बातें? और भी बहुत कुछ। आओगी ना? आऊंगी। चलो अब डिनर कर लो, मम्मी बुला रही है। खाने के टेबल पर मोहित और काव्या की आंखों आंखों में बातें हो रही थीं। करुणा और काव्या के पापा रमेश इन सब बातों से अनजान खाना खा रहे थे। रात को काव्या मम्मी पापा के सो जाने का इंतजार करने लगी। जब वह पूरी तरह यकीन हो गया कि वे दोनों सो चुके हैं तो आहिस्ता से मोहित के कमरे में जा पहुंची। उसने नाइट गाउन पहन रखा था। हेलो स्वीटहार्ट, काव्या फुसफुसाते हुए बोली। वेलकम डियर, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बहुत देर लगा दी तुमने, मोहित ने बेसब्री से कहा। तुम्हारे मौसा जी और मौसी के सोने का इंतजार कर रही थी। और कहो क्या इरादा है? काव्या ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम बोलो। अच्छा जी, अब वह सब भी मैं ही बोलूं? तो फिर चलो अब ये नाटक छोड़ो। सच में छोड़ दो नाटक? तो यह लो, छोड़ दिया, कहकर मोहित ने झटके से काव्या को अपनी बाहों में भर लिया। बहन हूँ तुम्हारी। हाँ यार, लेकिन क्या करूँ, यह दिल है कि मानता नहीं। इतनी हॉट जो हो। मोहित ने उसे गोद में उठा लिया। फिर शुरू हो गया हवस का गंदा खेल। मोहित और काव्या दोनों ने ही रिश्ते को दरकिनार कर जिस्मानी रिश्ते बना लिए। बिस्तर पर काव्या के रंग ढंग देखकर मोहित ने काव्या को लिव इन में रहने का प्रपोजल दे डाला। काव्या ने सोचा कि यह एक्सपीरियंस लेने में क्या जाता है, मोहित अच्छा कमाता है, कोई बुराई भी नहीं है। अगर उसके साथ लिव इन में रहूं तो मम्मी पापा के बंधन से भी छुटकारा पा जाऊंगी और संभोग भी इंजॉय कर सकूंगी। 3 दिनों में मोहित का ऑफिशियल काम भी खत्म हो गया। काव्या और मोहित ने सब तैयारी कर ली। काव्या मोहित के साथ बालाघाट जाने के लिए पूरी तरह तैयार थी। दोनों ने फैसला किया कि कल घर वालों को अपने इरादों से वाकिफ करवा कर वे बालाघाट निकल जाएंगे। अगली सुबह घर में हंगामा मचा हुआ था। काव्या ने अपने फैसले को बहुत ही बेशर्मी से माता पिता को बता दिया। कुछ तो शर्म करो, हम दुनिया और समाज को क्या जवाब देंगे? क्या कहूँगी तेरी मौसी से? कुछ तो सोच, और तेरी उम्र तो देख, अभी तो पढ़ने लिखने के दिन हैं। करुणा भरी आँखों से बोली, मम्मी अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। और फिर यह मेरी ज़िंदगी है, मुझे पूरा हक है कि इसे मैं कैसे जीऊँ। मैं मोहित के साथ बालाघाट जा रही हूँ, वहीं उसकी पोस्टिंग है, अपने माँ बाप को वह बता देगा, काव्या ने तुनक कर कहा और कमरे में चली गई। करुणा अब कोई फ़ायदा नहीं से समझाने का, बालिग हो चुकी है वह और इसी बात का फ़ायदा उठा रही है। उसके कदम बहक चुके हैं, क्या पता बात कहाँ तक बढ़ चुकी है। हम तुम तो शायद वहाँ तक सोच भी नहीं सकें, क्योंकि जिस बुलंदी से काव्या ने बताया है उससे तो लगता है कि इन दोनों के जिस्मानी। करुणा के पति हताश स्वर में बोले, क्या यही दिन देखना बाकी था? हम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। क्या इसी दिन के लिए नाजों से पाला था इसको? इतनी आज़ादी दी थी, यह कहाँ की हवा लग गई इसे कि आँखों की शर्म तक खत्म हो गई। और मोहित, वह भी, अरे अब उसे क्या कहें जब अपना सिक्का ही खोटा निकला। करुणा लगातार रोते हुए बोली। काव्या और मोहित परिवार व समाज के गाल पर तमाचा मारकर चले गए। पीछे रह गए 2 परिवार और संसार माता पिता। संभोग और अयासी की चाहत में बच्चों ने घर वालों को एक ऐसा नासूर दे दिया जो हर पल कसकता रहेगा। दोस्तों, ये 21वीं सदी के बच्चे जिन्हें अपने माँ बाप और समाज की कोई फिक्र नहीं है, अपने बच्चों पर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें ताकि वे जवानी में बहक कर कोई गलत रास्ता ना अपना लें। क्या काव्या ने सही किया, कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। अगर कहानियाँ पसंद आती हैं तो चैनल को लाइक पक्का कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी कहानियाँ समय पर मिलती रहें। मिलते हैं अगली अच्छी कहानियों में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।